अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आई थिंक। एंड वन थिंग फ्रॉम माय ऑफलाइन स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लेते हैं कि ऑफलाइन स्टूडेंट्स के एग्जाम चल रहे हैं, सो माय बेस्ट विशेस विद यू पीपल। एंड पेपर को टोटल फाड़ो करके आना। एंड वन थिंग मोर, बहुत सारे ऑफलाइन स्टूडेंट मुझसे डिमांड कर रहे थे कि सर काफ़ी देर हो गई है, वीडियो नहीं आई। तो आई एम ग्लैड टू नो दैट आप मेरे चैनल से जुड़े हुए और वीडियोज़ को सीक्वेंसली वॉच कर रहे हो। इससे क्या होगा कि आपके इंग्लिश में जितने भी फियर्स हैं सब रिमूव हो जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा, अपने सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन कंजंक्शन। इससे पहले भी कंजंक्शन की काफ़ी सारी वीडियोस गई हैं, आप जाना चैनल पे, प्लेलिस्ट पे जाना, वीडियोस वाले पोर्शन में जाना और देखना मैंने कंजंक्शन डिटेल से जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं उनको कवर किया हुआ है। और इसीलिए मैं एक टॉपिक को साथ साथ एक ही टॉपिक को लेके नहीं चलता हूँ, क्योंकि रूटीन जो है वो मोनोटोनस हो सकती है, मोनोटोनस नहीं करना है। इसीलिए मैंने इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी ऐड किया था, वो भी साथ साथ चलेगा। और एक चीज़ और, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ हर एक टॉपिक को ग्रामर का कोई भी टॉपिक लेते हैं ना, दैट वास्ट होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है। एक ऐसा नहीं है एक या दो वीडियो में वो ख़त्म हो जाएगा, हम उसको साथ साथ करेंगे, साथ साथ टॉपिक को चेंज करके पढ़ेंगे। जैसे अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ चल रही है, फिर थोड़ी देर बाद मैं फिक्स प्रपोजिशन भी लेकर के आऊँगा और स्पॉटिंग एरर्स भी लेकर के आऊँगा। अल्टीमेट प्रैक्टिस आपकी स्पॉटिंग एरर्स ही होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं कंजंक्शन का अगर 10 एरर लिख देता हूँ ना, आप उसको कर लोगे इजीली, कहीं ना कहीं आपको लगेगा ये जो एरर है कंजंक्शन से रिलेटेड है। लेकिन जब मैं मिसलेनियस एरर्स दूंगा ना सारे मिक्स, तो उसमें फिर आपको कन्फ्यूजन आएगी, तो उसमें पहचानना मुश्किल है। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू पीपल विल इंक्रीज योर नॉलेज, आपको पता लगता जाएगा कि इसमें कौन कौन सा एरर है। बस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन में। हमारा जो आज का टॉपिक मैंने उठाया दैट इज एज एंड लाइक। आज मैं इस एज और लाइक को कंपैरिजन में पढ़ाऊंगा। कंपैरिजन में पढ़ने से आपका टास्क भी ईजी हो जाता है, और बहुत सारी वीडियोस में मैं कंपैरिजन में ही पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले इस लाइक वर्ड को लेते हैं। जैसा आपको पता है कि हम कोई भी वर्ड करते हैं बेसिक उसकी रूट पे चलते हैं सबसे पहले, तो लाइक का सबसे पहले पोस्टमार्टम कर लेते हैं, उसके बाद में हम एज और लाइक को कंपैरिजन में पढ़ेंगे। चलो ये जो लाइक है ना, ये लाइक सेंटेंस में दो तरीके से काम करता है, दो से क्या, ये सेंटेंस में तीन तरीके से काम करता है। ये लाइक सेंटेंस में वर्ब का भी काम कर सकता है, ये लाइक सेंटेंस में प्रेपोजिशन भी बन सकता है, एंड दैट लाइक कैन एक्ट एज अ नाउन ऑल्सो, ये नाउन का भी काम कर सकता है। चलो सेंटेंस देख रहा हूँ, दे रहा हूँ, देखो कैसे कैसे से लिखा मैंने ही लाइक्स टू प्ले, उसको खेलना पसंद है, वो खेलना पसंद करता है। फिर मैंने लिखा ही डिड दिस वर्क लाइक मी, उसने ये काम को मेरे तरह किया। एंड देन आई हैड 900 लाइक्स ऑन माय पोस्ट। देखो तीनों जगह पे मैंने लाइक यूज़ किया, यहाँ भी लाइक है, यहाँ भी लाइक है और यहाँ भी लाइक्स है। अब देखो ही लाइक्स टू प्ले, ये ही क्या है, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के फौरन बाद क्या आता है, वर्ब आता है। यहाँ पे लाइक का मतलब, यहाँ पे लाइक का मतलब किस में निकल रहा है, पसंद करना की सेंस में। ही लाइक्स टू प्ले, वो खेलना पसंद करता है। तो यहाँ पे तो लाइक एज अ लाइक एक्टिंग एज अ वर्ब, यहाँ पे लाइक जो है वो वर्ब का काम कर रहा है। ही डिड दिस वर्क लाइक मी, उसने ये काम को मेरे जैसे किया। सो ये क्या है, आपको पता है कि प्रेपोजिशन हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले करके आता है, ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन और नाउन, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब ये मी क्या है, ये मी प्रोनाउन है, प्रोनाउन है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, और ये लाइक प्रेपोजिशन है, क्योंकि किसके पहले यूज़ हुआ है, प्रोनाउन के पहले, और लाइक हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज़ होता है, और वहाँ का लाइक प्रेपोजिशन होता है। और यहाँ लाइक की सेंस जा रही थी पसंद करना के सेंस में, और यहाँ लाइक का मतलब है के जैसा, ठीक है। यहाँ ही डिड दिस वर्क लाइक मी, उसने मेरे जैसा काम किया, जैसे मैंने किया वैसा उसने किया। तो यहाँ पे देखो आई हैड 900 लाइक्स ऑन माई पोस्ट, मैंने मेरी पोस्ट पे 900 लाइक्स थे। तो ये आई हैड आपका वर्ब है ना, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो 900 लाइक्स, आई हैड व्हाट, आई हैड 900 लाइक्स, ये जो लाइक्स है यहाँ पे नाम का काम करें। अगर नहीं पता लग रहा ना तो आप वर्ब से, आप पूरे सेंटेंस से व्हाट का आंसर पूछ लिया करें, आई हैड 900 लाइक्स, तो वर्ड के आंसर में जो आपको वर्ड मिलेगा वो आपका नाउन होगा। तो यहाँ पे लाइक एज अ नाउन, तो लाइक तीन तरीके से काम कर सकता है। अब मुझे बताना क्या है,
लाइक का दो मतलब होता है, लाइक का एक मतलब होता है पसंद करना, पसंद करना, अप्रिशिएट, अप्रिशिएट की सेंस में। और लाइक का जो दूसरा मतलब है, लाइक का दूसरा मतलब होता है के जैसा, जिसका मतलब होता है सिमिलर। लाइक का दो मतलब जाता है। अब बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन यहाँ पे कहाँ आती है, बच्चों की नब्स को जानता हूँ ना, तो बच्चों की कंफ्यूजन कहाँ आती है, बच्चे समझते हैं एक लाइक, वो आजकल के बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया ऐप वगैरह से बहुत ज़्यादा इन टच हैं, तो जब वो यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं एक लाइक, और इसी का उल्टा वो समझते हैं अनलाइक। ऐसा नहीं होता है, लाइक करना मतलब उनको लगता है पसंद करना, अनलाइक करना नापसंद करना, लेकिन ऐसा नहीं है। अनलाइक का मतलब नापसंद करना नहीं होता है, जब जब जहाँ का लाइक का सेंस पसंद करने की सेंस में जा रहा है, मतलब जहाँ का लाइक एज अ वर्ब यूज हुआ है, वहाँ का लाइक जो है उसका मतलब है पसंद करना, और उसी का उसका मतलब है पसंद करना। क्या लिखती है, पसंद करना, और उसी का जो उल्टा बनेगा ना वो क्या बनेगा, वो डिसलाइक बनेगा। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना, और एक लाइक का मतलब मैंने अभी आपको बताया के जैसा, जिसका मतलब होता है सिमिलर, और के जैसा की सेंस में जब लाइक यूज होगा तो वो एज अ प्रेपोजिशन यूज होगा। ध्यान से देखना, चीज़ें कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, लेकिन एक दो बार वॉच करोगे वीडियो को तो सही समझ आते हैं। एक लाइक का मतलब अप्रिशिएट करना, पसंद करना, और वहाँ का लाइक वर्ब का काम करेगा, और उस लाइक का उल्टा क्या बनता है, डिसलाइक करना। और एक लाइक का मतलब तो अभी मैंने बताया आपको सिमिलर, और इसका उल्टा क्या बनेगा, अनलाइक, ओके, डिससिमिलर। होपफुली आपको यहाँ से नजर आ रहा है, कुछ छुपा नहीं है। सिमिलर, लाइक का मतलब है सिमिलर, और उसी का उल्टा अनलाइक बनता है, जिसका मतलब क्या होता है, डिससिमिलर। चलो ये तो हो गया हमारा, ये हो गया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अभी मैंने सारा लाइक के बारे में बता दिया, लाइक का दो मतलब होता है, एक लाइक का मतलब पसंद करना, एक लाइक का मतलब होता है सिमिलर, के जैसा, और उनका उल्टा उल्टा क्या बनेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी एज को समझो, आपको लग रहा होगा कि सर ने कन्वेंशन टॉपिक लिया है एज और लाइक और काफ़ी डीप में चला गया, लेकिन सारा इसी से रिलेटेड है। अभी एज के बारे में थोड़ा सा समझो, एज जो है एज हमेशा एज भी दो तरीके से काम करता है, जब दो तरीके से काम करेगा वो कन्वेंशन का ही काम करेगा। एज सेंटेंस में दो तरीके से काम करता है, एक एज हमें रीज़न बताता है, जहाँ वो रीज़न बताएगा वहाँ पे वो कंजंक्शन का काम करेगा, और जहाँ पे एक एज हमें सिमिलैरिटी बताता है, इसका एक मतलब होता है सिमिलर, वहाँ पे भी वो कंजंक्शन का ही काम करेगा। एज का दो मतलब होता है, जैसे मैंने ऐसे लिखा एज देयर वॉज हैवी रेन ही कुड नॉट कम, जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश थी वो आ नहीं सका, तो यहाँ पे दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, एक देयर वॉज हैवी रेन और दूसरा क्लॉज है ही कुड नॉट कम, और क्लॉज को क्लॉज के साथ एज जोड़ रहा है, तो एज यहाँ पे कंजंक्शन यूज़ किया है, और कंजंक्शन में भी एज यहाँ पे क्या बता रहा है, रीज़न बता रहा है। एज के दो मतलब होते हैं, एक रीज़न बताता है, एक सिमिलर के जैसे, बट नाउ आई एम डीलिंग एज इन द फॉर्म ऑफ सिमिलर, नॉट इन द फॉर्म ऑफ रीज़न। यहाँ पे मैं एज को एज अ सिमिलर यूज़ करूँगा और लाइक के साथ कंपेरिजन करूँगा इसका। एज का वैसे दो मतलब होता है और दोनों में वो कन्वेंशन होता है। यहाँ पे देखो मैंने सेंटेंस लिखा, एक चीज समझो, चीज़ों को कलेक्ट कर लेंगे, फिर बाद में एग्जांपल दूंगा, इजी हो जाएगा। मुझे पता है अभी चीज़ें शायद आपके माइंड में क्लियर नहीं होंगी सारी। लाइक को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सिमिलर की सेंस में, जहाँ पे लाइक सिमिलर की सेंस में मैं यूज़ करूँगा, वहाँ का लाइक क्या होगा, वहाँ का लाइक प्रेपोजिशन होगा, और प्रेपोजिशन ना और फिर मैं एज को यूज़ कर रहा हूँ एज अ सिमिलर की सेंस में, और जहाँ पे एज को मैं सिमिलर यूज़ करूँगा वहाँ का एज भी कंजंक्शन ही होगा, जहाँ पे एज को रीज़न की सेंस में यूज़ करूँगा वहाँ भी वो कंजंक्शन ही होगा, लेकिन यहाँ पे मैं इसको सिमिलर ही यूज़ करूँगा, रीज़न नहीं बताऊँगा इसे, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है दोनों को। लाइक के बारे में लिख सकते हो आप, इट इज़ followed by a noun or pronoun। कैसे पता करेंगे कि
लाइक लगेगा या एज लगेगा? लाइक वहाँ पे लगेगा जहाँ पे हमें प्रेपोजिशन की जरूरत है, और प्रेपोजिशन को पहचानने के लिए इट इज़ फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन। प्रेपोजिशन जो है वो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होता है। और एज क्या है? कंजंक्शन है, तो क्या लिखोगे? इट इज फॉलोड बाय अ क्लॉज और सेंटेंस लिख सकते हो। सॉरी, एज जो है वो इक्वल पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ेगा। एज कंजंक्शन है, कंजंक्शन हमेशा सेम सीक्वेंस को जोड़ता है, जैसे फ्रेज को फ्रेज के साथ जोड़ेगा, क्लॉज को क्लॉज के साथ, और सेंटेंस को सेंटेंस के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? एज इट इज़ फॉलोड बाय अ क्लॉज और सेंटेंस। जब एज लगेगा वहाँ पे तो क्लॉज आगे भी रहेगा, पीछे भी रहेगा। तो ये तो इनका थोड़ा सा मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया। चलो अब सेंटेंस पे चलते हैं। He sings like me, and then I write he sings as I do. As you people know that English is a very beautiful language. Beautiful in the sense के a single sentence can be set in a variety of ways. मतलब एक sentence को हम काफ़ी तरीके से उसको set कर सकते हैं। ऊपर भी मैं वही बात बोल रहा हूँ, नीचे भी वही बात बोल रहा हूँ, बस वर्डिंग को मैंने चेंज किया। He sings like me, वो मेरी तरह गाता है। Like क्या है? प्रेपोजिशन है, किसके पहले यूज हुआ है? मी के पहले। मी क्या है? प्रोनाउन है, प्रोनाउन इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्रेपोजिशन फॉलो किसके पहले होता है, मतलब ये किसी नाउन और प्रोनाउन को फॉलो करता है, उससे पहले यूज होता है। और ही सिंग्स एज आई डू, ही क्या है? सब्जेक्ट है। सिंग्स क्या है? वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब ने मिलकर के क्लॉज बना दिया, और यहाँ पे देखो आई सब्जेक्ट है और डू वर्ब है, और यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब ने मिलकर के क्लॉज बना दिया। ही सिंग्स वो गाता है एज आई डू, जैसा मैं गाता हूँ, जैसा मैं गाता हूँ वैसा वो गाता है। और क्लॉज को क्लॉज के साथ कौन जोड़ेगा? एज जोड़ता है। और एज यहाँ पे मैंने एज अ कंजंक्शन यूज़ किया, क्योंकि क्लॉज को क्लॉज के साथ कंजंक्शन ही जोड़ता है। तो लाइक और एज में बेसिक डिफरेंस यही है कि लाइक प्रेपोजिशन होता है, एज कंजंक्शन होता है। अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, सपोज अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, ही परफॉर्म लाइक आई हैड एक्सपेक्टेड, उसने ऐसा परफॉर्म किया जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ही क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है, परफॉर्म क्या है? वर्ब है, क्लॉज बन गया। यहाँ पे आई भी सब्जेक्ट है और had accepted verb है, clause बन गया। ठीक है, यहाँ पे like अगर हम preposition as a preposition use होता तो यहाँ पे एक I आ रहा था, I हमारा pronoun है, लेकिन ये subjective pronoun है, और I के साथ सिर्फ अकेला I नहीं है, I के साथ हमारे पास verb भी है, और ये clause बनता है। तो clause को clause के साथ like नहीं जोड़ेगा, like यहाँ पे preposition है, और preposition कभी भी जोड़ने का काम नहीं करता है, हमेशा conjunction जोड़ता है। conjunction बहुत वफादार टॉपिक। यहाँ पे क्या आएगा? as आ जाएगा। अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता ना, ही परफॉर्म लाइक हिम, उसने उसके जैसा परफॉर्म किया, तो यहाँ पे ये ठीक होता, क्योंकि लाइक यहाँ पे एज अ प्रेपोजिशन यूज़ किया, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या वो नाउन भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ का हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है, तो लाइक और एज में जो बेसिक डिफरेंस था वो मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की। वीडियो को एक बार सीक्वेंसली वॉच करोगे, सारी डिटेल से करोगे, एक बार करोगे, दो बार करोगे, समझ आ जाएगी। ओके, तो अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो इसको एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हर नोटिफिकेशन आपके चैनल पे मिलेगा। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।